हेलो नमस्कार दोस्तों, 17 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो छोटा वाला आर्टिकल है साइड में, ये एक्चुअली है कि कंपनीज एक्ट जो 2013 है इंडिया में, इसमें संशोधन या अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है और भी काफ़ी सारे सेक्टर में हमें आगे जाना है, तो जो पुराने कंपनीज एक्ट है इसको हमें काफ़ी चेंजेस करने होंगे, रिफॉर्म में वो लाने होंगे, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ये आर्टिकल बड़ा आर्टिकल ये है एक्चुअली सेक्शन 377 आईपीसी की धारा जो 377 है उसके बारे में है, तो इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। देखो मामला क्या है एक बार हम वो देख लेते हैं। मामला ये है कि आईपीसी की जो धारा 377 है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस इश्यू चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक डेली आर्टिकल आते रहेंगे, तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक हमारे लिए तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ हमें पता ही है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या तो डिस्कस किया गया एक दो पॉइंट के फॉर्म में, बाकी आपको नोट्स लाने की इसकी कोई इतनी जरूरत है वो नहीं है क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं वो पहले के आर्टिकल में कवर है वो कर रखे हैं। देखो इसमें बताया गया कि देखो इंडिया है वो आपको बताया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। अब बात की जा रही है कि अगर डेमोक्रेसी है तो अभी आपको बताया कि रिसेंटली पुट्टास्वामी की जजमेंट आई थी लास्ट ईयर, और पुट्टास्वामी की जजमेंट में क्या था कि राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया गया था, कि आपको अच्छे से पता है कि भाई निजता का अधिकार है वो क्या था, कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट है वो करार दिया गया था। अब जैसे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट दे दिया गया है तो यहाँ पे इश्यू आता है सेक्शन 377 का। अब पूरा देखते हैं हम सेक्शन 377 है क्या। देखो सेक्शन 377 ये कहता है कि जो समलैंगिक या जैसे गे होते हैं अगर उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो वो नेचर के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए उसको एक क्राइम है वो घोषित किया जाता है, उसको एक क्रिमिनलाइज है वो माना जाता है। मतलब अगर कोई भी दो से मेन मेन या दो फीमेल अगर उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन हो रहे हैं तो वो नेचर के अगेंस्ट है, इसलिए उसको क्रिमिनलाइज है वो माना जाता है। मतलब ये एक अपराध है, इसकी सज़ा हो सकती है, ये एक्चुअली आईपीसी की धारा 377 है वो कहती है। अब यहाँ पे जब से राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट है वो घोषित किया गया है तब से एक बात सामने आई है कि देखो भाई राइट टू प्राइवेसी अगर फंडामेंटल राइट है तो कोई भी दो आदमी या कोई भी दो महीना कोई भी दो मतलब कोई भी पर्सन है वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने घर में क्या कर रहा है इसमें गवर्नमेंट को ताक झाँक करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी थर्ड पार्टी को, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ में कोई आदमी इंटरफेरेंस कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है वो हो रहा है, तो इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है और इसी को लेकर केस सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई जो राइट टू जो इस केस इसलिए गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सेक्शन 377 जिसमें क्रिमिनलाइज घोषित किया गया है उसको अब खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ कहीं भी रिलेवेंट नहीं बैठती है। बात की जाती है यहाँ पे एलजीबीटी की, एलजीबीटी हुआ गे हुआ जैसे जो लोग अगर उनके बीच में कोई भी सेक्सुअल या किसी भी तरीके के रिलेशन होते हैं तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी कि भाई इसको डिक्रिमिनलाइज है वो घोषित किया जाए क्योंकि वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज में भी ऐसा ही हो रहा है और आज के टाइम पे डेफिनेशन कहीं भी रिलेवेंट नहीं है, बात की जा रही है राइट टू प्राइवेसी के नज़रिए से। तो ये सारा मामला था, तो 377 हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कि किस चीज़ को क्रिमिनलाइज है वो घोषित करती है, इसके बारे में हमने देख लिया, ये सारे इसमें बेसिकली पॉइंट हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें इस आर्टिकल में बेसिकली दो ही इशू आए हैं। पहला इशू तो यहाँ पे सबसे बड़ा सामने ये आता है कि देखो अगेंस्ट नेचर के अगर कोई भी किसी भी तरह के रिलेशन हो रहे हैं तो उसको क्रिमिनलाइज घोषित किया जा रहा है, पहले तो बात यहाँ पे ये आ रही है इशू। दूसरा इशू यहाँ पे आता है कि राइट टू प्राइवेसी का, कि भाई नेचर के अगेंस्ट है कोई बात नहीं, बट अगर अपनी कोई भी इंसान अगर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर रहा हो अपने घर के अंदर बैठ के वो उसकी मर्जी है तो उसमें गवर्नमेंट को या किसी भी थर्ड पार्टी को इंटरफेरेंस है वो नहीं करना चाहिए। वही बात है कि कोई आदमी अपने घर में बैठ के कुछ भी खा रहा है, जो नॉनवेज खाए वेज खाए वो उसकी मर्जी है, अगर हो सकता है कि घर के बाहर जैसे कि मंदिर वगैरह के सामने अगर नॉनवेज खाए तो उसका इश्यू बन सकता है, बट अपने घर के अंदर जो कुछ भी करे तो उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो उसी बात को लेकर आईपीसी की धारा 377 है इसको डिक्रिमिनलाइज घोषित करने के लिए केस है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। तो यहाँ पे दो इश्यू मैंने आपको बता दिया कि आज के टाइम पे जो सेक्शन 377 है वो रिलेवेंट नहीं बैठता है, इसको लेके अभी यहाँ पे केस है सुप्रीम कोर्ट गया, सारा मामला हमने डिस्क लिया। यहाँ पे जो आर्टिकल है फुटबॉल के वर्ल्ड कप के बारे में है तो कुछ काम का है नहीं, आपको बताया जो न्यूज़ थी वो प्रीलिम्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होती है तो उसके बारे में हमने फैक्ट्स वगैरह ऑलरेडी डिस्कस है वो कर ली है। यहाँ पे फिर ये जो बात की है इस आर्टिकल में ये बात की है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है इसमें कुछ संशोधन करने की बात की जा रही है, तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट इसको डायल्यूट करना चाह रही तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस किया गया है, इसमें सीधी सीधी बात यही की गई है कि भैया जो नवाज शरीफ है वो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे, काफ़ी अच्छी बात थी, बट आज के टाइम पर उनको भी जेल में डाल दिया गया है, तो इस चीज़ से साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इन चीज़ नाम की चीज़ बची नहीं है क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री रूल है और इसलिए वहाँ पे अब नई जो इलेक्शन होने वाला है तो उसमें देखते हैं कि तख्ता पलट सरकार होता है या नहीं होता है या फिर सरकार अपनी मतलब तख्ता छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी उस चीज़ को लेके, तो हमारे लिए कुछ काम करनी है, बस हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, तो वो हमने देख लिया।
यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आया है एक्चुअली कि सड़क के ऊपर जो गड्ढे होते हैं भैया, उनका भी तो कोई सोल्यूशन करना चाहिए ना। आज के टाइम पे सड़क पे इतने गड्ढे हैं, उनका क्या हो रहा है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे राइटर्स में केस स्टडी दी गई है। उस केस स्टडी का हम यूज है वो एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये भी कुछ काम का नहीं है और ये आर्टिकल भी यहाँ पे हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं सड़क पे गड्ढे वाले इशू को लेकर चलते हैं कि सड़क पे जो पोर्ट होल है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि पोर्ट होल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पोर्ट होल का मतलब हो गया सड़क के ऊपर जो गड्ढे के समान बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ना, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो अभी गवर्नमेंट है इसके लिए मोटर व्हीकल जो बिल है इसमें अमेंडमेंट करने की बात की रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल की क्या जरूरत सड़क पे गड्ढों के लिए। देखो मोटर व्हीकल जो बिल है या आप बोल सकते हो एक्ट है, इसके अंदर सारी चीजें क्लियर की हुई हैं कि सड़क के ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल वगैरह होगा, तो उन अकाउंटेबिलिटी के लिए इसमें संशोधन है वो किया जा रहा है तो हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में तो इसमें थोड़ा डाटा दिया गया है कि 2013 से अगर 16 के बीच में हम देखें तो लगभग 11,836 डेथ हुई है लोगों की। तो अगर कोई आपको ये डाटा यूज हो तो आप इसका आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकते हो, मतलब हमारे देश में सड़क के ऊपर जो गड्ढे होते हैं इसकी वजह से इतने लोगों की जानें हो गई हैं। और देखा जाए इंजरी एक्सीडेंट की तो वो हुई है लगभग 36,221 लोगों के आसपास हैं उनकी, मतलब आप बोल सकते हो कि इंजरी हुए हैं वो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट वगैरह हुए हैं। तो मतलब हमारे देश में काफी ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सीडेंट है वो होते जा रहे हैं। राइटर यहाँ पे बेसिकली उनका मेन सजेशन या मेन पॉइंट उनका ये हुई है कि देखो भाई जो भी अथॉरिटी होती है इस चीज़ के लिए जिम्मेदार, सड़क के ऊपर गड्ढे हैं तो वहाँ के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो जिम्मेदार होगी, वो एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए या वो इसके लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी सिक्योर नहीं होगी ना तब तक कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो अहम बात यह है कि हमें अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस है वो करना चाहिए, ये तो है इसमें मेन करेक्ट। अब देखते हैं आगे केस स्टडी क्या है, इसका हम कहीं यूज है वो कर सकते हैं। देखो इसमें केस स्टडी है कि मुंबई के अंदर एक पर्सन थे जिसका नाम था दादा राव। तो दादा राव थे, इनके एक्चुअली बेटे की डेथ हो गई थी सड़क के ऊपर जो गड्ढे थे इनकी वजह से एक्सीडेंट होने की ये सारा मामला था। तो क्या इन्होंने जो भी अथॉरिटी वगैरह होती हैं वहाँ पे उन सब के चक्कर वगैरह लगाए कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे मामला ये वगैरह है, बट कोई भी सॉल्यूशंस वगैरह नहीं निकला। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि ठीक है बाढ़ में जाए कोई बात नहीं, ठीक है मैं मेरे घर में ही बैठ जाता हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, मेरा तो बेटा चला गया। दूसरा ऑप्शन इनके पास एक और था कि क्यों ना मैं खुद ही कोई ना कोई मुहिम है वो चलाऊँ, मैं खुद ही इस चीज़ के लिए एक्शन लेना शुरू करूँ ताकि किसी और लोगों की जिंदगी को तो मैं बचा सकूँ। तो इन्होंने सेकेंड वाला रास्ता चुना, पहला वाला रास्ता इन्होंने नहीं चुना। इन्होंने रास्ता ये चुना कि भाई मैं सड़क के ऊपर जो भी गड्ढे हैं उनको जितना दूर हो सकता है उनको मतलब फुलफिल करते हैं ताकि सड़क के ऊपर गड्ढे ना रहें और लोगों के जाने हैं वो ना जाएं। इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया और इस चीज़ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला, वहाँ की जो प्रशासन है वो भी थोड़ा एक्टिव हुआ और उससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिले। तो ये आप एक केस स्टडी के तौर पर इसका थोड़ा बहुत यूज है वो कर सकते हो। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अभी मानसून का टाइम है, अभी देखा जाए तो मानसून पीक टाइम पे धीरे धीरे चढ़ने वाला है। आपको पता है जुलाई अगस्त के टाइम पे इंडिया में मानसून काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। तो इस टाइम पे एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो प्रशासन है इसको तैयार रहना चाहिए ताकि भाई सड़क के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखो होता क्या है, जब बारिश होती है ना तो सड़क वगैरह पे क्या पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन पे हमें सड़क के ऊपर जो गड्ढे वगैरह होते हैं ना, सीवरेज वगैरह कोई भी गड्ढा ले लो उसका हमें पता नहीं चलता है। तो उस दौरान अगर कोई भी बाइक वगैरह कुछ भी जा रही हो तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जान माल का नुकसान है वो हो जाता है, बेसिकली होता है। अदरवाइज तो क्या होता है, बारिश नहीं हो रही होती है उस कंडीशन में तो हमें कई बार दिख जाता है गड्ढा कि भाई ये गड्ढा है तो हम गाड़ी को थोड़ा मोड़ ओड़ के निकल लेते हैं। तो बारिश के टाइम पर दिक्कत ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता और एक स्लिपरी मौसम हो जाता है तो वो भी काफ़ी दिक्कत है। बट राइटर क्या कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पर हो क्या रहा है, प्रशासन जो ही बारिश आती है ना उस टाइम पे लीपापोती करते हैं, मतलब ढंग से डामर वगैरह सीमेंट वगैरह उनका यूज भी नहीं करते हैं, बस केवल जो भी पैचवर्क का काम है जहां भी खड्डे दिख रहे हैं वहां पे हल्के की लीपापोती की बस काम खत्म कर दिया। मतलब एक तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो हमने तो काम कर दिया फिर वापस टूट गई, वो हमारी गलती नहीं है। तो राइटर यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम तो बहुत है कोई बात नहीं है, बट सॉल्यूशंस राइटर के द्वारा दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि जो मोटर व्हीकल में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है बिल में उसके द्वारा क्या होगा, एक मेन बेनिफिट तो ये मिलेगा कि जो भी अथॉरिटी उस एरिया में सड़क बना रही है या उसके द्वारा सड़क बनाई गई है या मेंटेनेंस उसके द्वारा किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। जैसे कि कोई अथॉरिटी ने सड़क बनाई है तो ऑब्वियसली 5 साल तक या 10 साल तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक उसकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो उसके बाद जो भी अथॉरिटी उस वाले एरिया के लिए जिम्मेदार है वो उस वाले एरिया के लिए अकाउंटेबल होगी, वो उस एरिया में कोई भी इश्यू होता है सड़क पे गड्ढे वगैरह का तो उसके लिए अकाउंटेबल है वो होगी। एक पॉइंट दूसरा ये आता है कि भाई टाइम टू टाइम रेगुलर जांच है इंस्पेक्शन है वो होनी चाहिए। देखो जब तक टाइम टू टाइम जांच वगैरह नहीं होगी, जैसे कोई भी नई रोड बनी है कोई भी सड़क वगैरह बन रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए टाइम टू टाइम कि भाई देखा जाए कि सड़क की क्वालिटी कैसी है, अगर उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर की लापरवाही हो या फिर और किसी की लापरवाही हो तो उस चीज़ को सामने लेके आ जाए और जो भी दोषी है उसको उचित दंड है वो प्रोवाइड किया जाए। जैसे ही आपको पता है कि कुछ टाइम पहले केस आया था कि
यूपी के अंदर एक ब्रिज है वो गिर गया था, तो काफी लोगों की जाने वो चली गई थी। तो वही बात देखो, वहाँ कहीं ना कहीं इंजीनियर का इशू था, माल हल्का लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जो भी अथॉरिटी जिम्मेदार थी उसको एक्चुअली पनिशमेंट है वो मिलना चाहिए था, और उसके अगेंस्ट उचित जो कार्रवाई वो होनी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है भाई आप 5,000 रुपये जमा करवा दो ये आपका जुर्माना है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए ताकि अगली बार वैसी गलती कोई भी अथॉरिटी या कोई भी पर्सन हो वो ऐसी गलती ना करे। इसके बाद में राइटर कहते हैं कि सबसे अहम बात है कि बारिश के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता है ना सिटी का कहीं का भी, उसकी सही उसकी जो पोल है ना वो बारिश के टाइम पे पता चलता है, उसकी पोल बारिश के टाइम पे खुल जाती है। अगर बारिश के टाइम पे वो ढंग से काम कर रहा है इसका मतलब ढंग से अच्छे से बनाया गया है, उसमें ढंग से मटेरियल वगैरह यूज है वो किया गया है। अगर बारिश के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, ढंग से टूट गया है, इधर उधर मतलब दिक्कत आ रही है उसमें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम है वो अधूरा रहा है। तो एक तो ड्रेनेज सिस्टम को हमें पहले से ही प्रिपेयर हो करके रखना चाहिए था। देखो अब बारिश आ गई है तो ऐसा तो नहीं है कि ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज हम उन गद्दों को, आज हम और चीजों को उनको ठीक करने बैठे, तो इसलिए पहले ही हमें ड्रेनेज सिस्टम वगैरह चीजों को पहले से क्लियर है वो रखना चाहिए था। दूसरी बात यहां पे फिर की जा रही है कि अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्ड है वो फोकस होने चाहिए, कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक काम होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, टाइम टू टाइम जांच वगैरह वो होनी चाहिए, इसके साथ जो भी इंजीनियर्स हैं उनका भी प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन यहां पे होनी चाहिए कि भाई उन्होंने कैसा काम किया है, कैसा उनका पीछे का स्कोर वगैरह है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए जा रहे हो वो इसी बेसिस पे उनको देने चाहिए। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि एक चीज और जिम्मेदार है इस चीज के लिए, सड़क पे गड्ढों वगैरह के लिए, इन और कामों के लिए, कि देखो लाइसेंसिंग इशू, मतलब लाइसेंसिंग सिस्टम। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई लाइसेंसिंग सिस्टम और सड़क पे गड्ढों का क्या लिंक है। देखो अगर एरे गेरे किसी नथु गेरे को अगर लाइसेंस मिल रहा है गाड़ी चलाने के लिए, तो वो गाड़ी इस सड़क पे ऑब्वियसली इधर उधर पटकेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, तो उससे कहीं ना कहीं सड़क का भी तो नुकसान हो रहा है ना। अगर हो सकता है कि उसकी लापरवाही की वजह से बाकी लोगों की जाने जा सकती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश का जो लाइसेंसिंग सिस्टम है ना उसमें भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसकी भी टाइम टू टाइम एक तरीके से क्रॉस चेक वगैरह होना चाहिए कि भाई उस इंसान को गाड़ी चलानी आती है नहीं आती। ऐसा नहीं कि 500 रुपये लेके लोगों की फर्जी लाइसेंस वगैरह बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइसेंसिंग सिस्टम में में रिफॉर्म है वो करने होंगे ताकि सड़क के ऊपर जो एक्सीडेंट है इनकी संख्या हम कम कर सकें। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसमें जो पॉइंट्स थे वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि देखो बात ऐसी है कि जो भी रिसेंट गवर्नमेंट है वो राइट टू जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसको डायल्यूट करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप जानते हो कि डेमोक्रेसी होती है तो ऑब्वियसली एक्चुअल जो पावर है वो जनता के पास होती है, इसलिए जनता की जिम्मेदारी बनती है, जनता की या बोल सकते हो जनता का यह हक है कि वो सरकार से इन्फॉर्मेशन मांगे कि भाई आपने यहाँ पे काम किया, आपने हमसे टैक्स का पैसा वसूला है, तो आप बताइए इस पैसे का आपने कहाँ यूज़ किया, ये बॉडी अथॉरिटी कैसे काम करी है। मतलब जनता की आप बोल सकते हो जनता का ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए मांग कर सकते कि भाई आप बताइए कि आपने पैसा कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, किस तरीके से आपने काम वगैरह किए। तो यही बात आ गई यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में ये एक्ट है वो आया था। अब बात क्या की जा रही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात चल रही है, बार बार कंफ्यूज हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अभी गवर्नमेंट चेंज करना चाह रही है, क्यों चेंज करना चाह रही है? देखो आप जानते हो अगर गवर्नमेंट की ही इसमें कार्रवाई होगी तो गवर्नमेंट को थोड़ा खतरा तो रहेगा ना कि यार हमारे अगेंस्ट ही बार बार जनता वो एक्शंस ले रही है, तो मतलब उनको थोड़ा, आपको पता है कि हर राजनीतिक पार्टियां धांधली करती हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करती हैं कि अगर बार बार हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो हम हमारे जो भी लीगल काम है उनको छुपा नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई कैसे भी हो जनता के पास इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए, मतलब गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि जनता के पास इन्फॉर्मेशन कम से कम पहुंचे, ना पहुंचे तो ही अच्छा है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अभी डिफरेंट एक्ट वगैरह बना के इस एक्ट को डाइल्यूट करना चाहती है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ सेंसिटिव मामले होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जनता को नहीं दी जाती है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट कुछ आम दाम दंड बैंड अदर मेथड की हेल्प से इस तरीके से इसको काउंटर करना चाहती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो जनता तक ढंग से काम नहीं कर पाए, अदरवाइज उन्हें दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि जनता के इंटरेस्ट और राजनीतिक पार्टियों के इंटरेस्ट दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए ही वो ऐसा काम है वो कर रही है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है, इससे लोकपाल आया, विसल ब्लोअर एक्ट आया, इनके द्वारा भी गवर्नमेंट के ऊपर लगाम कसी जा रही है, बट गवर्नमेंट फिर भी इनको ढंग से इंप्लीमेंट वो नहीं कर रही है, इनमें भी कहीं ना कहीं लिपापोती कर रही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या फिर संसद में जो प्रक्रिया फॉलो होती है अमेंडमेंट वगैरह या फिर और किसी काम की, उसको प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज के टाइम पे बाईपास सिस्टम को ज़्यादा यूज़ है वो ढंग से किया जा रहा है, मतलब किसी भी काम को करना है तो बाईपास मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको बेसिक से एग्जांपल ले लो कि कोई भी काम है,
जैसे कि जीएसटी का इश्यू ले लो, जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसको मनी बिल के थ्रू पास करवाया था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो अगर हम राज्यसभा में बिल लेके जाएंगे तो वहां पे बात तो बनने वाली है नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम इसको मनी बिल घोषित करवा के सीधा ही मामला सेटलमेंट है वो कर लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट कम से कम डिस्कस करना चाहती है तो कि इश्यूज कम रहे और अपनी मनमर्जी कर सके, सीधी सी बात यहाँ पे है। अब वो देखो एक अलग रीजन है कि कई बार अपोजिशन ढंग से काम नहीं करता है, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यार वहां पे मतलब मामला वगैरह जाए, इसलिए वो भी एक अलग इश्यूज है। बट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि जैसा उसने लॉ वगैरह बनाया है वो उस अपने मुताबिक या अपने अकॉर्डिंग ही बने, इसलिए गवर्नमेंट बाईपास करने की फोकस वो करती है। तो राइटर बता रहे हैं कि जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को डायल्यूट करने की बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, और इससे हमारी डेमोक्रेसी को भी नुकसान वो होने वाला है, और जनता का जो विश्वास है गवर्नमेंट में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक इसमें पॉइंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो कंपनीज एक्ट 2013 में संशोधन की बात क्यों की जा रही है वो देखते हैं। देखो कंपनीज एक्ट 2013 में संशोधन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो एक्ट है वो बहुत पुराना है, लगभग देखा जाए तो आज़ादी के टाइम का वो एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का वो बेसिकली एक्ट है, वो चला हुआ आ रहा है। तो अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि इसमें अमेंडमेंट वगैरह किया जाए और आज के टाइम पर जो भी हमारी बेसिक डिमांड है कंपनीज की उसके मुताबिक इसको बनाया जाए। जैसे कि आपको इस आर्टिकल में तो खैर नहीं दिया गया, बट मैं आपको बताता हूँ कि पीछे हमने कई बार आर्टिकल डिस्कस किए हैं उसके आधार पर कंपनीज एक्ट को डाइल्यूट करने की क्यों बात है वो की जा रही है। देखो एक तो ऐसा रीजन है, कंपनी खोलना ही इतना आसान नहीं है, एक तो पहली बात ये इंडिया के अंदर कंपनी खोलने के लिए काफ़ी लंबी प्रोसीजर होती है, उनको फॉलो करना होता है। दूसरी बात ये, किसी इंसान ने लड़ मर के कंपनी तो खोल ली, अब बेचारे की उसकी कंपनी घाटे में चलेगी। तो आपको बता दूं कि इंडिया में अभी जो कंपनीज एक्ट है इसके तहत कंपनी बंद करना भी आसान नहीं है, कंपनी खोलना ही नहीं कंपनी बंद करना भी आसान नहीं है, चाहे आपको घाटा हो रहा हो, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होती है, गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए होती है, इसके बाद ही आप कंपनी को बंद कर सकते हो। अब आप एक बार बताइए, कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसने कंपनी खोली, उसकी कंपनी लगातार 2-3 साल से घाटे में जा रही है, वो बेचारा आप सोचेगा कि यार फायदा तो हो नहीं रहा तो क्यों ना कंपनी को बंद कर दिया जाए, बट वो कंपनी बंद नहीं कर सकता, उसके लिए उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, काफ़ी प्रोसीजर्स होती हैं, उनको फॉलो करने के बाद ही कंपनी बंद होती है। तो मतलब क्या, वहाँ एक सरदर्द तो बनी गया ना उस इंसान के लिए, पहले से घाटा हो रहा है और वो घाटे को सहन करना होगा जब तक गवर्नमेंट अनुमति ना दे, तो इसलिए इश्यू काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर कई बार और भी इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी बंद करने की बात आती है, जो वर्कर्स हैं तो वो स्ट्राइक कर देते हैं कि भाई देखो हमें जॉब नहीं मिली, हम कहाँ करेंगे ये वगैरह, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी सारे इश्यू सामने आ जाते हैं। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि देखो कंपनीज एक्ट को डायल्यूट या कंपनीज एक्ट को भी गवर्नमेंट संशोधित या अमेंडमेंट क्यों करना चाहती है। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने 10 मेंबर की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 है और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए कंपनी है एक कमेटी है वो बनाई है 10 मेंबर की, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाती है। तो अभी इससे फायदा क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो कंपनीज एक्ट है इसके रूल काफ़ी सॉफ्ट कर देगी, मतलब हर कोई आदमी इजीली कंपनी वगैरह बना सकता है और इजीली क्लोज वगैरह कर सके। अब देखो अगर सारे काम इजी हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा, लोग इजीली इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो कर पाएंगे। इसके साथ ही जो करंट गवर्नमेंट है उसका एक नारा था, आप बोल सकते हो एक स्लोगन बोल सकते हो कि जॉब क्रिएटर बनो ना कि जॉब सीकर, मतलब जॉब ऐसा मत देखो कि यार मुझे जॉब चाहिए, ऐसे बनो कि भाई मैं जॉब लोगों को प्रोवाइड करूँ, मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर बनो ना कि आप जॉब सीकर बनो कि हाँ भाई मेरे को जॉब चाहिए, चाहिए कि बजाय आप लोगों को जॉब है वो प्रोवाइड करो, ये एक नारा था। इस स्लोगन को अगर पूरा करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब है वो क्रिएट करनी होंगी, जॉब क्रिएट कब होंगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ओपन करेंगे, तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है वो किया जा रहा है। इसके बाद में देखो जो पहले के एक्ट हैं वो काफ़ी मतलब बोल सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉ है, तो अगर उनमें अमेंडमेंट किया जाएगा, उनको डायल्यूट किया जाएगा, तभी तो लोग इजीली यार नई कंपनी बना पाएंगे ना, अदरवाइज तो उनको ऐसा लगेगा कि यार हम नई कंपनी बना के करेंगे क्या, हम तो कंपनी बनेगी नहीं, काफ़ी लंबी प्रोसीजर है, 2-2, 4-4 महीने लग जाएंगे, कौन बनेगा कंपनी, चलो छोड़ो रहने दो। तो मतलब हमें इजी नॉर्म से वो करने होंगे। इसके साथ ही हमें रिफॉर्म जरूरत है, कई बार गवर्नमेंट ही हवाला दे देती है कि देखो स्ट्रॉन्ग इसलिए जरूरी है कि भाई कई बार लूप होल होते हैं तो उनका फायदा उठाते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो भी लूप होल है ना उनका सोल्यूशन लेके आ जाए, लूप होल से भागने से कोई सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, लूप होल का आप सोल्यूशन निकालो ना उचित, तभी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर हमें बढ़ानी है तो भी हमें कंपनीज एक्ट को संशोधन या अमेंडमेंट वो करना होगा, क्योंकि अगर अगर कोई भी इजीली नई कंपनी बना दी जाती है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा आता है। देखो मैक्सिमली जो इन्वेस्टमेंट है ना वो प्राइवेट के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट होती है, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है, चाहे फॉरेन से आए चाहे इंडिया की डोमेस्टिकली भी कितना भी हो। तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो उसके लिए कंपनी एक्ट काफ़ी लचीले होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इजीली कंपनी वगैरह बना सके। और अभी आपको पता है कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, तो इसके लिए काफ़ी अहम हो जाता है कि हमें और ज़्यादा संशोधन करने होंगे
और इसी के साथ जो लाल ब्यूरोक्रेसी आप सोचो लाल फीता सही है या ब्यूरोक्रेसी है, इसका हमें कहीं ना कहीं रोल है वो कम करना होगा कंपनीज एक्ट में कहीं ना कहीं, तो उससे हमें एक अच्छा रिजल्ट वो मिलने वाला है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल और जो कंप्लीट डायमेंशन थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डेली की आंसर राइटिंग के क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो। आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताई जाएगी हिंदी में कि किस तरीके से आपको आंसर है वो अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आपको आंसर राइटिंग करते हो, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान है वो रखना है, पूरा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।